जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आप सभी का दोस्तों आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है और बहुत ही आभार है। बाबा महाकाल आपको बहुत खुश रखे, बहुत आनंद में रखे, आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे, बस मेरी यही दुआ है। आज हम इस वीडियो में जिस विषय पर बात कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और आपके लिए इतना ज़्यादा उम्मीद भरा ये वीडियो है कि आप सोच नहीं सकते। मेहनत का फल नहीं मिल रहा। हम बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं किसी भी विषय पर, यह हमारे जीवन का कोई भी विषय हो सकता, जिस पर पूरी ईमानदारी से हमें फल नहीं मिल रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं फल कब मिलेगा और किस तरह से हम चीज़ों में सफल होंगे। तो इन सभी चीज़ों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा और मिलने के साथ साथ आपको हल भी मिलेगा इसमें। तो वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें, समझें, तभी आपको चीज़ें सही तरीके से समझ आ पाएगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा निर्णायक भूमिका निभाएगी। उससे पहले एक निवेदन है दोस्तों कि प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसलिए सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपको जो भी सकारात्मक अपनी राशिगत बातें हैं वो यहाँ पर आपको मिलती है। तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में आपको लिखना है जय 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 श्री महाकाल। इसके अलावा आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर बात करें, व्हाट्सएप पर ही अपॉइंटमेंट लेकर आप मुझे बात कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग जाए तो अपने सोशल नेटवर्किंग जो भी हो, ट्विटर पर, फेसबुक पर व्हाट्सएप पर, अपने दोस्तों के ग्रुप में इसे ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ को अच्छे से समझ पाए। तो सबसे पहली बात है कि मेहनत और फल जो है वो पहले से डिसाइडेड होती है। हम केवल मानव जो है अपना कर्म करते हैं, जिसकी आज़ादी हमें, हम वो कर्म पूरी ईमानदारी से करते हैं, हमें उस चीज़ का फल मिलता है। लेकिन फल जो है मेहनत करने के बाद अगर नहीं मिल रहा है तो आप अपने कार्य करने के तरीके को बदलें। कार्य पूरी ईमानदारी से आप कर रहे हैं लेकिन जो कार्य करने का तरीका है उसे बदल लें। उसे बदलने से मतलब है कि उसे थोड़ा मॉडिफाई कर लें कि जो चीज़ें आप ऊपर नीचे कर रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं उसे आगे पीछे कर लें, पहली बात। दूसरी बात है कि कई बार हमारे नाम से कुछ सफलताएं नहीं मिलती तो अपनी पत्नी, बच्चे, अपने घर के माता पिता, इनके नाम से उसे श्रेय देकर, डेडिकेट करके फिर उस काम में आप मेहनत करें, शायद तब सफलता मिल जाए। ज़्यादातर लोगों को ऐसे होता है। तीसरी बात होती है कि हम मन्नतें मांगते हैं ईश्वर से, क्योंकि ईश्वर से हम बहुत प्यार करते हैं कि ईश्वर हमारा ये चीज़ हो जाए तो हम आपको ये चढ़ाएंगे या हम ये मन्नतें पूरी करेंगे। तो कोशिश करें कि काम होने से पहले अगर आपके बस में है, आप अगर अफोर्ड कर पाए तो उन मन्नतों को काम होने से पहले ही पूरा कर दें तो वो भी अच्छा, क्योंकि हमारा भाव होता है ईश्वर के प्रति बड़ा पॉजिटिव। वो हमारे पिता हैं और वो हमारे दाता हैं, तो उससे भी बहुत ज़्यादा परिणाम सकारात्मक मिलते हैं। तो अच्छा लगा वो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जय महाकाल, जय महाकाल।